सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और प्रेस द बेल आइकन मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिस्टर जमान और आप लोग देख रहे हो जमान ऑफिशियल क्रिएशन। जी हम इसी तरह आज भी मैंने एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। आज के इस वीडियो सीटेट के बारे में, जी हाँ, आज के इस वीडियो में आपको सीटेट के बारे में बताऊंगा। आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि सीटेट की कब नोटिफिकेशन आएंगे, कब एडमिशन होगा, कब कैसे करना है, आप लोग शायद इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो में सारा का सारा बताऊंगा, जो सीटेट का नोटिफिकेशन 2022 में बताऊंगा, सेंट्रल डिसेबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं आज के यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए सीटेट नोटिफिकेशन 2022 सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन, जी हाँ जुलाई में ये होगा। ठीक है, जुलाई में स्टार्ट होगा सीटेट का। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को भर्ती के लिए केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के लिए आवेदन के प्रोसेस जल्द ही प्रारंभ कर दी जाएगी। इनके द्वारा करवाई जाने वाली इस भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी। देखिए जो सीटेट का जो फिलहाल जुलाई में होगा ये पता है, लेकिन उसका डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। ठीक है, जो छात्र केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए काफी समय से तैयारी कर रहे थे, उनके लिए यह एक शानदार मौका है। इस परीक्षा में उम्मीदवार को भाग लेने और बाकी सभी प्रोसेस हमारे आर्टिकल के माध्यम से आपको पूरी तरीके से बता दी जाएगी। ठीक है, तो सीटेट नोटिफिकेशन 2022 से जुड़े एक और जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर रहिएगा। यहाँ पे देखिए सीटेट नोटिफिकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट परीक्षा 2022 की अधिसूचना उपलब्ध करवाएगा। सीटेट प्राथमिक और उच्च माध्यमिक कक्षा के लिए टीचर्स की योग्यता के निर्धारण करने के लिए वर्ष में दो बार सीटेट परीक्षा आयोजन करवाया जाता है, जिनमें कक्षा एक से कक्षा आठ तक शामिल है। हमारे इस वीडियो को आपको सीटेट एग्जाम 2022 और सीटेट जुलाई नोटिफिकेशन 2020 के बारे में सारे जानकारी आपको इस चैनल के द्वारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अभी देखिए जानकारी प्राप्त होगी, इसीलिए यह वीडियो परीक्षा के लिए आवेदन की प्रक्रिया जून माह में आयोजित की जाएगी। उसके बाद उम्मीदवारों के लिए परीक्षा तथा अन्य तिथियां CBSE द्वारा निर्धारित की जाएगी। उम्मीदवार केवल आधिकारिक अधिसूचना के माध्यम से ही अपनी योग्यता और मापदंड की जांच कर सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सीटेट जुलाई 2002 नोटिफिकेशन, जी हाँ जुलाई में जो स्टार्ट होने जा रही है। यहाँ पे देखिए सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2022। सरकारी विद्यालयों में अध्यापक का पद प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को सीटेट यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना होगा। इसके लिए परीक्षा का योजना प्रत्येक वर्ष होता है, जिसका आधिकारिक अधिसूचना CBSE की ऑफिशियल वेबसाइट पर परीक्षा से कुछ समय पहले जारी करवा दिया जाता है। जी हाँ, ये परीक्षा के पहले कुछ समय पहले आपको यह कर दिया जाएगा। हालांकि CBSE द्वारा केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के ऑनलाइन पंजीकरण की घोषणा अभी तक नहीं की गई है। इसका आयोजित सरकार द्वारा साल में दो बार करवाया जाता है, इसके लिए उम्मीदवारों है मौका न गवाए। ठीक है, तो सीटेट प्रमाण पत्र केवल सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि निजी स्कूलों में भी लागू होगा, इसलिए जो उम्मीदवार निजी अथवा सरकारी देने में इसमें से किसी भी स्कूल में पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सीटेट प्रमाण पत्र जरूरी है। जी हाँ, तो सीटेट एग्जाम एलिजिबिलिटी, सीटेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 उम्मीदवार के आवेदन करने के लिए कुछ योग्यता आवश्यक है, जिनमें वो उम्मीदवार भारत का नागरिक हो। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक पढ़ाने वाले छात्रों के पास शिक्षा क्षेत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, जो DLED का जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए। अनिवार्य है प्रथम कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने हेतु उम्मीदवार के पास शिक्षा क्षेत्र में स्नातक यानी BEd की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और BEd का डिग्री भी आपको पहले होना चाहिए। तो सीटेट एग्जाम 2022 यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशन फीस क्या होगा। यहाँ पर देखिए OBC अथवा जनरल उम्मीदवारों के पहले पेपर के लिए 1000 तथा दूसरे पेपर के लिए 1200 की शुल्क अदा करनी होगी। जी हाँ बिल्कुल, OBC और जनरल जो है जो कास्ट है उन लोगों को फर्स्ट जो पेपर है उसके लिए 1000 और सेकंड का जो पेपर है वो 1200 का
पेमेंट का नाम होता है। एससी या एसटी उम्मीदवारों के पहले पेपर के लिए 500, एससी और एसटी जो है उसके लिए फर्स्ट पेपर का जो होगा उसके लिए 500 और दूसरे पेपर के लिए 600 की आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सेंट्रल टीचर इलेबिलिटी टेस्ट 2002 सिलेक्शन प्रोसेस, आप हम बता देंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस किस तरह से होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट प्रोसेस, सीबीएसई द्वारा यह परीक्षा दो पेपरों में आयोजित की जाती है, जिसमें प्रथम पेपर वो उम्मीदवार दे सकते हैं जो केवल कक्षा एक से कक्षा फाइव तक पढ़ाने में इच्छुक हो, और दूसरा पेपर केवल में उम्मीदवार को उम्मीदवार दे सकता है जो कक्षा आठवीं से आठवीं तक, ठीक है, छठवीं से आठवीं तक के छात्रों के पढ़ाने के लिए इच्छुक है। सबसे पहले छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी, इसके बाद मेरिट के आधार पर उन छात्रों को चयन किया जाएगा। जी बिल्कुल, यह है उसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो हम सीटेट एग्जाम इम्पोर्टेंट लिंक जो यहाँ पे देखिए हाउ टू अप्लाई, तो आप अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले उम्मीदवार सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको विजिट करेंगे, जो जिसका लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीदवार सीटेट 2022 ऑनलाइन फॉर्म भरे, जिसके लिए उम्मीदवार आवश्यक दस्तावेज अपने पास रखे, या ऑनलाइन आपको आवेदन करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, और उन दस्तावेजों को इस केंद्र में माध्यम से स्कैन करें, ठीक है। तो आपको जो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो आपको पहले से स्कैन करके आपको मोबाइल या लैपटॉप में आपको रखना होगा। सभी दस्तावेज बताए गए फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो कि उसके बाद आपको अपने हस्ताक्षर और अपने फोटो को अपलोड करना होगा, आपका फोटो और सिग्नेचर चाहिए होगा। वहाँ पर आपको ईमेल डालने की आवश्यक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप अपनी ईमेल डाल दे, ताकि आपको कोई भी जरूरी ईमेल हो तो वो प्राप्त हो सकते हैं। जो ईमेल आईडी है वो मैंडेटरी है, आपको ईमेल डालना होगा और आपके पास एक ईमेल आईडी भी होना चाहिए। उसके बाद फॉर्म के लिए पीडीएफ का कॉपी अपने पास रखें, और जो आप अप्लाई करेंगे उसके बाद एक जो रिसिप्ट आएगा पीडीएफ फॉर्मेट एप्लीकेशन जो होता है वो आपको प्रिंट करके आपके पास रख लेना है। सीटेट एग्जाम 2022 इम्पोर्टेंट लिंक से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जो एग्जाम डेट है वो जुलाई में होगा, सर्टिफिकेट यहाँ पे आप लोग बाद में देख सकते हो, और जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ये है। तो मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तभी देखिए सीटेट एग्जाम 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जल्दी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। यह अभी तक जारी नहीं किया गया है, जल्द ही हो जाएगा। मैं इस वीडियो को आप लोग देखते रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप कोई भी नोटिफिकेशन आए सीबीएसई की तरफ से सीटेट के लिए, तो मैं आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। सीटेट एग्जाम का आवेदन कहाँ से करें, तो उसके बाद आपको एग्जाम के लिए आवेदन कैसे करना है। केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा 2022 के लिए उम्मीदवार सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं, तो वो भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही आप लोग आपको अप्लाई करना होगा, आवेदन करना होगा। तो वो भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। तो मैं आपको सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो वेबसाइट में आपको विजिट करके आपको दिखाऊंगा, ठीक है। ये पे देख सकते हो जो सीएससी का जो सीबीएसई का जो मेन वेबसाइट है ये यहाँ पर खुल गया है सीटेट। आप लोग इस वेबसाइट से ही सारा जानकारी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कब आपको अप्लाई करना होगा, आप एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई करेंगे, ये सारा का सारा आपको इस लेटेस्ट आर्टिकल में आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अगर कोई भी नोटिफिकेशन आए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो यही है वो ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे अभी तक कुछ पे जारी नहीं किया गया है। अगर कुछ नोटिफिकेशन आए तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। थैंक यू गाइस।